एवरीवन, वेलकम टू दीपिकास टेरेस गार्डन। मेरे गार्डन में आज एक नन्हा मेहमान आया है और मुझे परमिशन दे रहा है कि मैं इसकी वीडियो को शूट करूं। एंजॉय कीजिए गाइस इस खूबसूरत से पल को। साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है सकुलेंट की प्रोपगेशन की मेथड्स पर। काफ़ी सारी मेथड से सकुलेंट प्रोपगेट होते हैं और मैं आज शेयर करूंगी उनमें से एक मेथड को आपके साथ। विंटर का टाइम होता है बेस्ट टाइम जब हम अपने सकुलेंट की ग्रोथ और केयर करते हैं। इस वक्त सकुलेंट के पौधे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। गाइज, अगर आप न्यू बिगिनर हैं और आप बहुत अच्छे से बहुत इच्छा रखते हैं कि आप सकुलेंट को ग्रो करें और अच्छी तरीके से, तो आपको इसके प्रोपगेशन से जुड़ी मेथड के बारे में भी जानकारी रख लेना चाहिए, ताकि आप जब एक पौधा बाय करो तो उससे अपने नए पौधे बनाने की मेथड शुरू कर सको। तो अगर आपका कोई एक पौधा गलता है तो आपके पास दूसरे पौधे मौजूद रहते हैं। सकुलेंट को ग्रो करने से पहले आपको ये बात समझ लेनी होगी कि इस पौधे की बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं। सकुलेंट कोई एक वैरायटी नहीं है, बहुत सारी फैमिली से बिलोंग करते हैं सकुलेंट। अलग अलग तरीके के होते हैं और इनकी प्रोपगेशन की मेथड भी अलग अलग तरीके की होती है। कुछ सकुलेंट लीव से ग्रो होते हैं, कुछ स्टेम कटिंग से, और कुछ उनके न्यू बेबी प्लांट रेडी करते हैं। अलग अलग मेथड होती है इनको ग्रो करने की। सबसे ईजीएस्ट मेथड है लीफ प्रोपगेशन, जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। इस कंटेनर में मैंने लिया है सकुलेंट का पॉटिंग मिक्स, जो कि मैं बनाते आई हूँ और मैंने अपनी वीडियो में पहले वीडियो में शेयर भी किया है इसको कैसे बनाया है। आप उस तरीके की सॉइल भी रेडी कर सकते हो और अपने सकुलेंट को लगा सकते हो। इन दोनों कंटेनर में मैंने लिया है सैंड, सिर्फ सैंड, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सैंड, बालू, रेत जिसे कहते हैं, बस। कोकोपीट में भी इनको उगाया जाता है गाइज, लेकिन जिस तरीके से आजकल की वेदर कंडीशंस चेंज हो रही है, ऐसे में मैंने अब कोकोपीट यूज़ करना बंद कर दिया है और अब मैं सिर्फ सैंड में प्रोपोगेट करती हूँ इनको। पहचानिए इन सकुलेंट को जो मैंने खरीदे थे सकुलेंट फैक्ट्री से बारिशों के सीजन में। आप लोगों को याद होगा वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप सही मेथड फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्दी सकुलेंट देखने को मिलेंगे। ये देखिए, उनमें से ये दो पौधे हैं। इनमें से कुछ पत्तियां मैंने पहले ही निकाल ली है क्योंकि मुझे आज इनको प्रोपगेट करना है। साथ ही आपको बता दूं, आपके पास भी अगर सकुलेंट है तो आप भी उसे रेडी कर सकते हो लीफ से। मैं पहले इनमें से दो से तीन पत्तियां कट कर लेती हूँ। कैसे कट करना है इस मेथड को भी एक बार अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। सकुलेंट के नीचे की तरफ की कोई भी पत्ती चॉइस कर लीजिए और उसे आपको सिर्फ ट्विस्ट करना है, गोल घुमाते हुए मरोड़ना है, वो टूट जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, बस हो गया। आराम से ये पत्ता उसके मदर प्लांट से अलग हो जाएगा। मैं नीचे की तरफ के लीव्स इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऊपर के हिस्से का पूरा लुक इसका खराब हो जाए। दो पत्तियाँ मैंने निकाल ली अभी आपके सामने। अब हमको करना ये है कि हमें दो से तीन दिनों तक इसे शेड में रहने देना है। किसी एक कंटेनर पे पेपर टॉवल बिछाकर इन लीव्स को उसके ऊपर रख दीजिए। इनकी जो एजेस हैं, जो किनारी है, वो सूख जाएगी दो दिनों में। उसके बाद आप इस पत्ती का यूज़ कर सकते हो इसे ग्रो करने के लिए। सो अब मैं इसे रख देती हूँ साइड में और आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये लीव्स मैंने पहले से ही कट करके रखी है मेरे अलग अलग सकुलेंट के पौधों पर से, जिनकी पत्तियां ग्रो हो सकती हैं। ये देखिए, ये एक एचिवेरिया की ही वैरायटी का लीफ है। कुछ कलेंचो की लीव्स कटी हुई हैं। जो जो लीव्स मुझे मिली मैंने अपने प्लांट में से कलेक्ट की हैं और इनको दो से तीन दिनों तक शेड में ही रखा था ताकि इनकी एजेस जो है वो सूख जाए। अब हम क्या करेंगे, इस वक्त आप दिख रहे हैं इस कंटेनर में मैंने भरी है सैंड। सैंड क्यों भरी है, ताकि मैं इसके ऊपर अपने पत्तों को प्रोपगेट कर सकूं। मैं पहले ये चीज़ कोकोपीट के साथ करती थी, पर जिस तरीके से आजकल अचानक बारिश आ जाती है, अचानक धूप निकल जाती है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है सैंड। सैंड में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके प्लांट जो हैं वो धीरे धीरे ग्रो भी होते रहते हैं और उनको वेदर चेंजेस होने की वजह से, मॉइस्चर कम या ज़्यादा होने की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। मैं कर रही हूँ ये कि सैंड के इस प्लेट पर इन पत्तियों को मैं सिर्फ और सिर्फ रख दे रही हूँ। किस तरीके से रख रही हूँ आप ये देखते जाइए और समझते जाइए। इनको बहुत ज़्यादा अंदर डीपली हमको कवर नहीं करना है, मिट्टी में दबाना नहीं है, बस इस सैंड की कवर के ऊपर हमें बस इसको रख देना है। कुछ लीव्स में से छोटे छोटे बेबी प्लांट बनने शुरू हो गए हैं गाइस, क्योंकि इस वक्त विंटर शुरू हो गया है।
सबको मैंने अपने कंटेनर्स में सेट कर दिया है गाइस, और अब मैं बात ले रही हूँ इस कंटेनर को जिसमें मैंने सकुलेंट की पॉटिंग मिक्स भरी है। ये एक सकुलेंट है जिसका क्लम्प इस वक्त मेरे हाथ में है। इसे मैंने अभी लगाया नहीं है, मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था, और इस वक्त आप ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे दो क्लम्प और हैं, ये सेम्पेवेरियम के हैं, और ये भी मैंने सकुलेंट फैक्ट्री से ही मंगाए हैं, आपने वीडियो देखी होगी। अब इस तरीके के पौधे को किस तरीके से लगाते हैं, सिंपल है। आपने कंटेनर में देखा मैंने सकुलेंट की पॉटिंग मिक्स को फिल किया, मैंने इन्हीं के लिए ये किया है। सबसे पहले मैं इसकी रूट्स के पास से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो इसमें ऑलरेडी लगाई हुई थी इसे हटा रही हूँ, ताकि ये जो रूट्स हैं ये आराम से थोड़ी सी फ्री हो जाए। किसी भी तरीके के सकुलेंट को क्लम्प को लगाने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपको पौधे की थोड़ी रूट्स को थोड़ा सा फ्री कर दीजिए। इस वक्त मैंने यहाँ टूथब्रश लिया है, और ये देखिए इसका मेन नीचे से इसकी टैप जो मेन रूट है वो भी नज़र आ रही है। अब मैं करूँगी ये कि सॉइल की सरफेस के ऊपर बस इसे थोड़ा सा अंदर प्रेस करते हुए रख दूँगी और कुछ नहीं करूँगी। दोनों के दोनों क्लम्प के लिए मैं यही मेथड यूज़ करने वाली हूँ। हो गया, अब ये इस कंटेनर में लग गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी वाटरिंग। जो लीव्स मैंने लगाई थी इनको मैं स्प्रे बॉटल की मदद से वाटरिंग करूँगी, पर कितनी कर रही हूँ ये आप देखकर समझ जाइए, बहुत थोड़ी सी। बस पत्तियों के ऊपर पानी का स्प्रे कर देना है और काम हो गया। यही चीज़ करना है मेरे दूसरे कंटेनर के साथ भी। मैंने और आपको बता दूँ, पानी डाल देने के बाद अब मैं इन कंटेनर्स को सिर्फ एक दिन के लिए ही शेड में रखूंगी। कल से मैं इसको सनलाइट में रखूंगी, क्योंकि विंटर की जो धूप होती है वो ज़्यादा कड़क नहीं होती। ये पौधे सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद धीरे धीरे ग्रोथ शुरू कर देंगे। अब इन क्लम्प को वाटरिंग करना है या नहीं तो मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल नहीं। भले ही मैंने जो सॉइल ली है वो सूखी है, पर आपको बता दूँ सकुलेंट की खासियत होती है कि ये अपने आप से सॉइल में फिक्स होना पसंद करते हैं। आप वाटरिंग कर दोगे पौधा लगाने के तुरंत बाद तो ये गल सकते हैं, और सेम्पेवेरियम के मामले में तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखो कि आप अगर इसे मरने नहीं देना चाहते हो तो आप इसे खुद से इस मिट्टी में सेट होने दो। ये इसके लिए बेहद ज़रूरी है। न मैं इसके ऊपर से वाटरिंग करूँगी, न पानी का स्प्रे करूँगी, और ना ही सॉइल में वाटरिंग करूँगी। इस कंटेनर को मैं बाहर रखूँगी, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ सनलाइट नहीं आए, और वहाँ पर ये आराम से सेट होना शुरू हो जाएगा। लीफ को कैसे लगाना है ये मैंने आज आपको बताया, अपडेट भी आगे की वीडियोस में आपको मिलेंगी। साथ ही बता दूं गाइस, सकुलेंट फैक्ट्री से मैंने इन क्लम्स को मंगाया था और इनको अभी लगाना ज़रूरी था, इसीलिए इसको लगाने की ही मेथड मैंने आप लोगों से शेयर की है। थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल वीडियो के साथ अपडेट भी दूंगी और नए मेथड्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में। सेम्पेवेरियम के ये बेबी प्लांट किस तरीके से लेते हैं डेवलपमेंट, स्टेम कटिंग क्या होती है, बेबी प्लांट को मदर प्लांट से अलग करने के बाद आप कैसे प्रोपगेट करोगे, क्या क्या मेथड फॉलो करोगे, साथ ही सकुलेंट फैक्ट्री से बाय किए हुए मेरे सकुलेंट इस वक्त किस कंडीशन में है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आगे आने वाली कुछ दो तीन वीडियोज़ में। तब तक थोड़ा सा वेट ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज, आज का वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये मुझे बताना ना भूले, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल पे नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है हमें सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।